आज हम बनाएंगे एप्पल का चटनी। ये बहुत आसान रेसिपी है, तुरंत बन जाता है। जिसके लिए हम 3 एप्पल लिए हैं, इसको छीलकर छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। इस तरह से सबको छील लिए हैं, अब छोटे छोटे पीस में काट लेंगे इसको। इसका बीज पहले निकाल लेंगे। इस तरह से छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। इस तरह से सबको काट लिए हैं। इसको ज्यादा देर तक काट कर नहीं छोड़ते हैं, जल्दी बना लेना चाहिए। अब हम एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई को गर्म किए हैं। इसमें हम 1 चम्मच घी लिए हैं। अब हम इसको एप्पल को इसमें फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे इसको। इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे ताकि ये पानी छोड़ दे। और इसको फ्राई करेंगे इस तरह से। इसमें 1 चम्मच ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे, वो भी फ्राई हो जाएगा इसके साथ। एप्पल फ्राई हो गया है, 3 से 4 मिनट फ्राई किए हैं, स्लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई किए हैं। ये फ्राई हो गया है, अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी एप्पल जितना लिए हैं उसके 1/2 चीनी लगता है। चीनी को फ्राई करके मिक्स कर लेंगे इसको धीमी आंच में। दो 3 मिनट इसको ढककर पकाएंगे और बीच बीच में इसको घाटते रहेंगे। चार मिनट बनने के बाद इस तरह का हुआ है। इसमें 1 नींबू का रस भी डालेंगे 1 चम्मच, जिससे चीनी पिघला रहेगा, जमेगा नहीं चीनी। थोड़ा सा पानी डालकर और पका लेंगे इसको ढककर। 3 से 4 मिनट और पका लेंगे। देखिए इस चटनी का टेस्चर कितना अच्छा लग रहा है, देखने में कितना अच्छा बना है। ये चटनी तैयार हो गया है, अब हम एक बाउल में निकाल लेते हैं चटनी को। गैस को बंद कर देते हैं।
देखिए ये चटनी कितना अच्छा बना है। ये चटनी बनकर तैयार हो गया है। ये बहुत इजी और बहुत टेस्टी रेसिपी है। ये एप्पल का चटनी आप जरूर बनाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारा रेसिपी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये बहुत जल्दी बन जाता है, तुरंत बनने वाला रेसिपी है, बहुत इजी है।